तो क्या रहता है आपका टाइम शेड्यूल, क्या आपका डाइट वगैरह रहता है? शेड्यूल तो वो डिसाइड करते हैं सर, उनका जो शेड्यूल रहता है उसके अनुसार। फिर जैसा भी एक वीक की बात करें तो एक सप्ताह आपका किस किस तरह से रहता है, कितना दौड़, लंबा छोटा क्या रहता है? सप्ते में एक दिन के आसपास थोड़ी लॉन्ग रखनी चाहिए और दो तीन दिन शॉर्ट भी चाहिए। देखिए ये मेहनत ही है, ये जो पसीना आप देख रहे हैं पसीना है ना, ये मेहनत पसीना बनकर किस तरह से आप देख सकते हो रहा है। सभी बॉयज को आप देख सकते हो, सभी बॉयज किस तरह से पसीना बन कर, तो ये बॉयज हमेशा बात कर रहे थे कि तैयारी को लेकर क्या विशेष। सबसे मुख्य होता है उसके अंदर टाइम टेबल, अगर बंदा टाइम टेबल नहीं लगा रहा है, नॉर्मल रनिंग कर रहा है हर कोई की तरह, तो कभी भी भर्ती बाहर निकल पाएगा। सबसे स्पेशल होता है उसके अंदर 400 मीटर की जितनी बढ़िया स्प्रिंट होगी कम फेज के अंदर, जैसे कि लास्ट 1:10 का होता है पूरा कंटिन्यूस 10 स्प्रिंट होती है उसके अंदर, 1.5 मिनट का रेस्ट होता है हर स्प्रिंट के अंदर। वापस अगले दिन जैसे ट्यूजडे आ जाए तो उसके अंदर वैसे लॉन्ग होता है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, अब ज़्यादा लंबा लेने कोई जरूरत नहीं है। 6 किलोमीटर के अंदर फेज होना चाहिए, 4 का फेज 4:10 का फेज लास्ट। जैसे वापस बुधवार आ जाए इवनिंग के अंदर हमेशा स्लो होना है, इवनिंग में कभी हार्ड नहीं करना, इवनिंग में बस नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहते हो आप तो 7 मिनट। बुधवार को वापस छूट आ जाएंगे, छूट होंगे बुधवार को 1000 मीटर, 1000 मीटर 5 भी ले सकता है बंदा, 4 भी ले सकता है, लास्ट 3 मिनट का रेस्ट होना चाहिए हर बंदे के। 3 मिनट से अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपके पास भर्ती में भी इतना टाइम नहीं है। वापस बुधवार शाम को इवनिंग में रेस्ट रहता है, गुरुवार वापस लॉन्ग, एक दिन स्प्रिंट एक दिन लॉन्ग, उसके अंदर फेज रहता है फिक्स, यानी जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है तो ज़्यादातर 1:40 का फेज रहता है, और कभी भी हार्ड करना हो सकते हैं एक बार तो आप 1:30 के डाउन भी फेज डाल सकते हैं कंटिन्यू, उसके अंदर 12 राउंड होते हैं पर 5 किलोमीटर फेज होता है पूरा, ये बात। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है वो है स्पेशल फूड डाइट होती है, अगर बंदा डाइट नहीं ले रहा है तो कभी रनिंग नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। डाइट के अंदर मुझे क्या होता है, हर कोई की स्थिति नहीं होती है, चाहे वो काजू बादाम खाए, सबसे मेन चीज़ है एक गुड़ का ले लो छोटा पीस, और उसके अलावा चना दूध सोयाबीन, ये बहुत सेटिस्फाइड है, कोई जरूरत नहीं है बादाम वगैरह की। अगर बंदे में है कैपेसिटी उसके घर वालों में तो उसके लिए बेस्ट है काजू बादाम किशमिश और सोयाबीन। सोयाबीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर क्या होता है थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे नॉर्मल थोड़ा सा हल्की से आधी मुट्ठी के ऊपर चना, और इसकी आज लगाती है अपनी डेट आती है अपने पिंड खजूर बोलते हैं उसको हिंदी में, वो सबसे मेन चीज़ होती है, अगर उसको आप रेगुलर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। कभी आपको वीकनेस लगे तो अपने मेडिकल में मिलता है इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलता है, बहुत बेस्ट होता है। 2 सप्ताह में रेगुलर नहीं लेते उसको, उससे वीकनेस हो जाती है, जितने भी सूर्य हो जाते हैं उससे पूरे कुल भी मिल जाता है बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बात करना है जो वीकली शेड्यूल है उस बात में डिस्कस करवाए, और जो मैं और आपका शेड्यूल है जो उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम पीरियड है इसके अंदर आप पूरा फेज स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी आप स्पीड कर सकते हो, अब भी अगर आप धीरे चलाओगे एक दिन भी अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं। सप्ते में हमारे बुधवार शाम को रेस्ट रहता है और संडे हमेशा फुल रेस्ट देना चाहिए, आपका टाइम आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आप कंटिन्यू बढ़िया दौड़ रहे हो तो वैसे नॉर्मल 10 राउंड 15 राउंड निकाल रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं, आप भर्ती भी पार नहीं कर पाओगे। तो कोई कोई बंदों क्या होता है कि 2-3 लड़कों को देखते हैं कि वो कभी रनिंग नहीं करता, कोई कोई रनिंग निकाल कर जाता है, वो तो उसके बेस पर डिपेंड होता है, लेकिन 99% बंदा कभी रनिंग नहीं निकालता है बिना रनिंग किए, जो सोचते हैं मैंने पिछली भर्ती देख रखी है वो कोई नहीं, बस इस बार भर्तियाँ भी थोड़ी टाइट चल रही है, टिकट वाली भी देखी थी अपने वाली भी देखी थी, बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है इसमें, और टाइमिंग भी बढ़िया आ रहा था लड़कों का, अभी थोड़ा रेस्ट हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और कोई युवा साथी जो आपसे करना चाहता हूँ?